दोस्तों 2022 का न्यू बिजनेस आइडिया की खोज में मैं आ गया हूं तमिलनाडु के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा न्यू डीलरशिप बिजनेस आइडिया जो कि आप मेरे पीछे जो प्रोडक्ट देख रहे हो वो प्रोडक्ट आप आपके मार्केट में लॉन्च करके महीना लाख रुपए तक कमा सकते हो। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे आपको मार्केट में लॉन्च करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि इतने दूर आकर आपके लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ढूंढ रहा हूं तो इसका मतलब कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी तगड़ी है, इसमें कोई दम है, तभी मैं इतने दूर आया हूं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपसे कोई भी मैं नए बिजनेस आइडियाज लेकर आता हूं वो आपसे मिस ना हो जाए। और दोस्तों यहां पे जो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स देख रहे हो ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप आपके मार्केट में लॉन्च करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और तो और मैं खुद यहां पे सारा कुछ विजिट करता हूं, कंपनीज को अच्छे से पूरा देख लेता हूं कि कौन कैसे काम कर रहा है, जिससे कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपको बेस्ट रेट में मिले आपके शहर में बेचने के लिए और आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आपके शहर में कमा सको। और दोस्तों यहां पे जो प्रोडक्ट्स देख रहे हो ये सारे प्रोडक्ट्स इंटीरियर लाइन में लगते हैं और आपको पता है इंटीरियर की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है इंडिया में। और अगर आपने एक फ्लैट का भी काम किया, एक 1 BHK फ्लैट का भी आप एक काम ले लेते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हो और उसमें ये जो मेरे पीछे प्रोडक्ट्स देख रहे हो वो इंस्टॉल कर देते हो जो कि सिर्फ हफ्ते भर का काम है, तो आप हफ्ते भर में ही 1 से 1.5 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये बिजनेस कैसे शुरू करना है और आप एक नए डीलरशिप बिजनेस की तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो आप पूरा देखना जिससे कि आपसे ये न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। जो ये शीट आप देख रहे हैं इंडिया में सबसे सस्ता रेट हमसे मिलेगा आपको। पूरे इंडिया से हमारे डीलर को ऑर्डर आ रहे हैं तो हम कंटेनर मंगा रहे हैं, इतने डिमांड है कि हमारे डीलर को हम सप्लाई करते करते थक जा रहे हैं। इतने भी लोग हमारे से जुड़ के काम कर रहे हैं जो हम बताते हैं हमारे गुडाउन। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गुडाउन है हमारा, यही से हमारा मटेरियल डिस्पैच हो रहा है पूरे इंडिया के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बॉक्सिंग है हमारा, जो यहीं से सभी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को यहीं से डिस्पैच होता है। जो हमारे पास एक्सेसरीज का भी स्टॉक है, प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। तो इसी धमाकेदार और नए बिजनेस और नए प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ बिजनेस बेंच कंपनी के ओनर से मिलने। तो हेलो सर। हाय एवरीवन, आई एम शिवा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बिजनेस बेंच। हेलो मैम। हाय, आई एम परवीन, हम यहाँ पर एडमिन मैनेजर हैं। जो हमारे कंपनी बिजनेस बेंच है तमिलनाडु करूर पर लॉन्च हुआ है, हम पिछले 5 साल से हम यहाँ पर हैं तमिलनाडु पर। तो नॉर्थ इंडिया में हमको डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के लिए तलाशी है। जो हमारे साउथ इंडियन डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो वो कमा रहे हैं 1 to 1.5 लाख तक कमा रहे हैं, ये प्रॉफिट है उनका। उसी तरह हम आपके व्यूअर्स के साथ भी जुड़ना चाहते हैं जो उनसे जुड़ के बिजनेस डेवलप करे। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही यूनिक हैं, बहुत कॉस्ट वाइज भी कम होता है। फिलहाल समझिए एक जगह पर 50% आपको पैसा बढ़ के आ रहा है तो हमारा उसे कम करवाता है। मतलब मैम का कहना यह है कि जो मैम के इंटीरियर प्रोडक्ट्स हैं तो जहाँ पर समझो ज़्यादा खर्चा लग रहा था तो वहाँ पे मैम के प्रोडक्ट्स यूज़ करके लोगों का खर्चा भी बच रहा है, जिससे कि ये जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम तो दावा करते हैं कि हमसे सस्ता कोई नहीं दे सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट एक बार यूज़ करेंगे, जो एक बार डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे वो भी ये फील करेंगे आपसे सस्ता कोई नहीं देगा। जी बिल्कुल, जो हम इसलिए सस्ता दे रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर अभी अच्छा कमा पाए। जो आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको कौन से मटेरियल मिलने वाला है मैं पूरी जानकारी मैं यहाँ पर दे देती हूँ। जो इसे कहते हैं पॉली ग्रैनाइट शीट, ये 3 mm थिकनेस का है। जो इसका पैटर्न देखिए, इसका पैटर्न का नाम है इटालियन ब्लैक कहते हैं। मैम ये पॉलीग्रेनाइट शीट होती क्या है वो जरा एक शॉर्ट में समझा दीजिए, क्या होता है ये? जी ये पॉलीग्रेनाइट शीट होती है UPVC। अच्छा ठीक है, ये PVC का है। ओके, जो इसके ऊपर फिल्म है तो ये कहाँ यूज होता है मैम? ये डायरेक्टली हम वॉल पर पेस्ट कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं, फाल सीलिंग कर सकते हैं, ये सभी जगह यूज कर सकते हैं। मैम ये लोग क्यों यूज करेंगे, इसके फायदे क्या है? जो इसका फायदा देखिए, ये ग्रैनाइट की तरह दिखता है, बहुत अच्छी शाइनिंग है इसकी। जो एक बार आपके दोस्त नहीं आपके रिश्तेदार आएंगे, जो एक बार आपके घर को देखेंगे तो वो सोचेंगे पूरे ग्रैनाइट डाले हैं आप। अच्छा, पूरा ग्रेनाइट का फील आता है जी, बट ये ग्रेनाइट नहीं होता है। नहीं, ये ग्रेनाइट की तरह दिखता है, ग्रेनाइट की तरह दिखता है। वाह वाह, ग्रेनाइट और मार्बल की तरह दिखता है। राइट राइट, जो ग्रेनाइट से आप कंपेयर करेंगे तो ये बहुत सस्ता में आपको मिल जाता है। लुक एंड फील आपको ग्रेनाइट और मार्बल की तरह दिखता है। इसमें अलग अलग डिजाइन है, मैं आपको बताती हूँ। जो इसे इटालियन ब्लैक कहते हैं,
इसे इंडस गोल्ड कहते हैं, इसे डायमंड कट, ये सैफ्रन ब्राउन इटालियन व्हाइट, देखिए वाओ बहुत सुंदर दिख रहा है मैम, जो इसे ब्लैक मार्बल कहते हैं, इसका फिल देखिए वाओ, ये ब्लू मार्बल कहते हैं, वाओ ये ओपेरा ग्रीन है, ये पिंक पर्ल है, ओके ये वुड पैटर्न है। अच्छा, जो ये हमारे सैंपल्स हैं, हमसे जुड़ते हैं तो आपको ऐसा कैटलॉग भी मिल जाएगा जो इसमें जो भी प्रोडक्ट है उसका सैंपल है, ये जो आपके कस्टमर को दिखा सकते हैं। इसमें 5 कलर्स आते हैं, ये वाइट है, रेड, ये ग्रीन, ये पिंक और येलो, ये 5 कलर 1.2 mm। कबोर्ड वर्क, मॉडुलर किचन, ये वो वाली पर ये शीट यूज करते हैं, पतली शीट होती है 1.2 mm। जो ये वाला है 3 mm, जो हमने बड़ा सैंपल बताया था ये कैटलॉग सैंपल है, इसे इटालियन वाइट, इटालियन ब्लैक, इंडस गोल्ड, ये वॉल्स पे लगता है, ये वॉल्स पे लगता है, ये कहीं भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, वॉल्स, फॉल सीलिंग, कबोर्ड वर्क, जो उनको जो पसंद आए वहाँ पर कर सकते हैं, फर्नीचर्स एंड देन ड्रेसिंग टेबल, जो ये कहीं भी कर सकते हैं, जो ये कस्टमर का चॉइस है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप लेते हो तो आपको छोटे छोटे सैंपल पीस नहीं मिलेंगे, आपको मिलता है इतने बड़े शीट, 8x4 का है शीट, इसमें जो स्टिकर होता है इसे निकाल देना चाहिए वंस फिक्सिंग के बाद, के ऐसा निकलता है, जो एक बार हम वॉल पर स्टिक करते हैं उसके बाद इसे रिमूव करना चाहिए। देखिए कितना ग्लॉसी है, जिस तरह आप देख रहे हैं, जो हर डिजाइन के हर कलर के शीट यहाँ पर पूरे सारे पड़े हुए हैं। जो ये शीट भी है 8x4 का है, जो 32 square feet होता है एक शीट, हम आपको यहाँ पर पूरे के पूरे शो कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे 8x4 का है। देखिए किस तरह से शीट आता है, कितना फ्लेक्सिबल भी है, जो ये इतनी जल्दी से टूटेगा भी नहीं। जो इस तरह अलग अलग शीट और डिजाइन यहाँ पर हम रखे हुए हैं, आपको ये शीट लगाने के लिए आपको ग्लू भी हमारे पास ही अवेलेबल होगा। जो ये ग्लू है आपको जिगजैग टाइप में लगाना है, उसके बाद उसे पेस्टिंग करके, कॉर्नर्स पेस्टिंग करके सीधा आपको वॉल पर पेस्ट करना है, इतना ही है इसमें काम। तो ये जो शीट्स होती है बड़ी बड़ी, जैसे पॉलीग्रेनाइट की जो शीट्स होती है, वो कहाँ कैसे लगाते हैं, डायरेक्टली वॉल पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? जो आप नए घर बनते हैं, फिलहाल नए घर बन रहे हैं, तो इसे प्लास्टिंग काफी है, प्लास्टर करने के बाद इसे सीधा लगा दीजिए। अच्छा, पुट्टी जरूरत नहीं, प्रीमियर जरूरत नहीं है, एंड देन पेंटिंग भी जरूरत नहीं है। इसे एक बार आप यूज करेंगे तो आराम से रहेगा 30 साल तक, तो ब्रांड वारंटी देता है 15 साल के लिए। जैसा पहले लोग पेंट करते थे तो 2 साल या 3 साल में उनको रीपेंटिंग करना है, जो घर को तो हम रिनोवेशन करते ही हैं, जो इसे लगाएंगे तो आप आराम से रहेगा 30 साल तक। इजी से डस्ट क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद काम तो बहुत ही बचता है। एक बार पेंट करें तो पूरे सामान निकल के बाहर डालना चाहिए, फिर से लेके अंदर रखना चाहिए, तो इसे एक बार करेंगे तो काम भी बचत है, कम पैसे में घर सुंदर दिखता है, तो इसीलिए इसका डिमांड ज़्यादा है। इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत इजी है, अगर आपको इसे इंस्टॉलेशन करना है, हमारा पॉलीग्रेनाइट इंस्टॉलेशन करना है, तो फिलहाल समझिए 10x10 room है, तो आपको आधा दिन काफ़ी है, तो आपका काम भी इजी हो जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, इसे रीयूज भी कर सकते हैं। फिलहाल एक घर बन गया तो मैं दूसरे घर में शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो एक और दो शीट को ब्रेकेबल करना ही है, उसके बाद हम वो शीट निकाल के दूसरे घर में हम रीयूज कर सकते हैं। और एक इसका फायदा है, इसमें आग लगने की चांसेस ही नहीं है। जो इसके बाद आप हमसे जुड़ेंगे, ये दूसरा प्रोडक्ट है, इसे WPC कहते हैं, तो जो उसका पैटर्न्स और डिजाइन है, ये कहाँ लगता है मैम? इसे भी हम इंटीरियर कर सकते हैं, ये वॉल कर सकते हैं, फॉल सीलिंग, जो ये दिखने को आपको वुड के तरह दिखता है, लेकिन ये वुड नहीं है, ये भी PVC है, ये भी ये वुड से भी सस्ता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है। रेनी सीजन में वुड का फर्नीचर फुल जाता है, ये फुलता नहीं है। इसको कैसे लगाया जाता है मैम? इसका भी सेम प्रोसेस है, पेस्टिंग करवाते हैं, नहीं तो स्क्रू रखवा देते हैं। ये हमारा PVC बॉर्डर है, जो PVC एक्सेसरीज हमने बताया था, ये है, ये 4 inch कहते हैं। ये कहाँ लगता है मैम? जो ये भी PVC है, जो इसे कॉर्नर बॉर्डर्स कहते हैं, बॉर्डर्स पे लगता है। जी, बॉर्डर्स पे लगता है। हमारे पास दूसरा पैटर्न भी है, मैंने बताया था फोम टाइल्स,
जो ये फोम टाइल्स का पैटर्न्स है, ये वाइन रेड कहते हैं, ये वाइन येलो कहते हैं। ये देखिए, ये आपको फॉल्स सीलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा फॉल्स सीलिंग जगह पे लगाता है। जो हमारे पास अलग अलग पैटर्न्स हैं, मैं आपको शो करती हूँ। ये चिल्ड्रंस पैटर्न है, ये फॉल्स सीलिंग, इसे सी बी वाइट कहते हैं। ये ब्रिक मॉडल है, जो ये देखिए, ये भी ब्रिक मॉडल है, रेड कलर। जो इसे बटरफ्लाई ब्लू कहते हैं, इसे बटरफ्लाई पिंक। और ये मैम लगता कैसे है? नॉर्मली बैक साइड आपको इसे स्टिकर निकालना पड़ेगा। इसका स्टिकर पैटर्न है, जो स्टिकर निकाल के डायरेक्ट हम सीलिंग जो भी जगह हो, वॉल हो, हम फिक्स कर सकते हैं। जो अभी हमने सैंपल बताए थे छोटे छोटे, जो उसका लुक घर में करते हैं तो आपका उसका लुक कैसा दिखता है, आइए मैं बताती हूँ। जो हमने फोम शीट बताए थे आपको, डेमो सैंपल बताया था, जो लगने के बाद कैसा दिखता है देखिए। जो हमने फोम टाइल्स आपको बताया था, ये क्लासिक ब्रिक मॉडल है, देखिए कैसा दिखता है। जो ये टाटामी कहते हैं, ये कुशन टाइप का है, देखिए फिल करके देखिए। जो हमने ये भी हम लोग डायरेक्टली चिपका सकते हैं जी, इजीली स्टिकर टाइप। ये पूरे के पूरे आपको स्टिकर टाइप का है, जो फॉल्स सीलिंग कर सकते हैं। जो हमने मॉडल बताया था आपको सैंपल, ये फॉल्स सीलिंग है। जो हमारा पॉलीग्रेनेट है, घर के अंदर चिपकाएंगे तो कैसे दिखता है, आइए हमको आपको बताती। वाओ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है मैम ये तो। जो हमने एक छोटा सा सैंपल बताया था आपको, ये के फोन्स इंपीरियल कहते हैं। जो देखिए, ये टीवी यूनिट है, ओके। इसके ऊपर स्क्रू करके टीवी लगा सकते हैं, ओके। देखिए, जो हम इनकेस मेक लगाना हो तो उसे ड्रिलिंग करके आप लगा सकते हैं। अच्छा, ड्रिल भी हो जाएगा जी, क्रैक नहीं होगा ना? क्रैक नहीं होगा, ओके। जो एसी भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एसी वगैरह सब कुछ फिट कर सकते हैं? सभी फिट कर सकते हैं, ओके। वाओ, ये आके आपको रेन फॉरेस्ट लो। वाओ, जो मैंने एक्सेसरीज आपको बताया था, ये देखिए एक्सेसरीज, ओके। इसे कहते हैं एक्सेसरीज, ये मेटल का रहता है, ओके। जो बॉर्डर्स हमने आपको सैंपल बताया था, वो कॉर्नर में देखिए, वो बॉर्डर 4 इंच का है। वाओ, ओके, बॉर्डर लगाइए। तो ये 4 इंच बॉर्डर, सेम विंडो, ओके, विंडो कवर कर सकते हैं। देखिए, ये भी 4 इंच का है, जो विंडोज होगा, जो विंडोज के लिए ये कवर कर सकते हैं। देखिए, ये 2 इंच बॉर्डर है पीवीसी। ये एज कॉर्नर है, इसे एल्युमिनियम एक्सेसरीज कहते हैं। जो ये एक्सेसरीज है, ये फिनिशिंग देने में काम करता है। हम भी एक्सेसरीज लगाया है, गैप नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग ये लगाते हैं ना जी। ये कवर करने के लिए हमने हम भी एक्सेसरीज लगाया है, इसे एक्सटर्नल कहते हैं। ये सैंपल किट हमने आपको बताया था, पिंक पर्ल वाला। इसका फुल शीट देखिए, 8x4 का है। जो मैं इसे बताना चाहती हूँ, जो इनके आर्च में आपको करना है, जो बेंड करना है, तो पहले प्लाईवुड पर करते हैं, उसके बाद इसे चिपकाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, मार्बल के शीट देख सकते हैं, मार्बल की तरह कितना लुक दिख रहा है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, फॉल्स सीलिंग भी हम कर सकते हैं, ओके। ये भी वही शीट है इसमें जी, ये भी पॉलीग्रेनेट है। जो इसे पैनल नीचे उतार के इसे फिक्स करते हैं। नॉर्मली हमने तो जिप्सम बोर्ड लगाते हैं, उसका अल्टरनेट है। इसके बाद जो ये रूम है, देखिए ये फोम टाइल्स है, ये फोम वाला, मैंने तो सैंपल आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये देखिए 3mm थिकनेस वाला, इसमें कबोर्ड भी कर सकते हैं, कबोर्ड के ऊपर। जो देखिए, हम टेबल पर भी फिक्स किया हुआ है, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ये पूरा हम कर सकते हैं विद एक्सेसरी के साथ। इतने कम बजट में इतना सुंदरता घर आपको बनता है, तो ऑब्वियसली आपको डिमांड तो होगा ही ना। जब आप हमसे जुड़ जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप लेते हैं, जब आपके कस्टमर को वीडियोस बताएंगे, सैंपल्स बताएंगे, तो ऑब्वियसली आपका डील डन होगा। तो मैं, अगर हमारे व्यूवर्स को ये बिजनेस शुरू करना है, डीलरशिप भी लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, तो ये बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट कितने रहेगी, वो जरा समझाइए जी। बिल्कुल, हम फोकस करना चाहते हैं मेनली डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे स्टेट वाइज। अच्छा, सो स्टेट वाइज होगा तो उनको स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा, okay. उसके लायक का माल वो खरीदना चाहिए। जो डीलर बनेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 5 लाख,
जो 5 लाख का मटेरियल उनको डिस्पैच हो जाएगा। अच्छा। जो एक बार डिस्पैच होने के बाद उनको क्या क्या करना है, उनका बैकग्राउंड होके हम सभी उनको नॉलेज कर देते हैं। और मैम, जब वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें क्या क्या आता है? जो इन्वेस्टमेंट वो 5 लाख कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी माल है वो उनका चॉइस, जो भी आपने डेमो में दिखाया सब कुछ जी, मिल जाएगा। जी। तो सर, अगर किसी ने डीलरशिप भी ले ली, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले ली, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, कितना वो कमा सकते हैं, वो जरा समझाइए। मतलब फॉर एग्जाम्पल, किसी ने एक घर का काम लिया पूरा, या फिर पूरे एक फ्लैट का काम लिया, तो वो कितना कमा सकता है? Yeah, okay. The dealers get the margin at 25% to 30%. They get the margin. Achha. In profit amount. तो dealer का जो margin है वो 25-30% है, और जो distributors का जो margin है 40% है। Depend करता है, क्योंकि distributors ज़्यादा volume पे खेलते हैं, मतलब जितना बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा माल सेल करता है। अगर आपने 1 BHK का फ्लैट का काम लिया है, अराउंड 5 लाख का माल लगता है, तो आप कमाएंगे इसमें अराउंड 1 लाख तक। तो मैम, अभी एक बात समझाइए कि डीलर्स इंस्टॉल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कौन इंस्टॉल करने जाएगा? जो ये इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास टीम अवेलेबल है, कारपेंटर्स। अच्छा। जो जिसे भी चाहिए तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिए, हम वहाँ पर उनको भिजवा के लर्न भी करवा देते हैं। जो ट्रेनिंग भी दे देते हो डीलर्स को? ट्रेनिंग दे देते हो? जी। अच्छा, तो डीलर्स को अपनी टीम खुद बनानी पड़ती है, जो कि ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करेगी, और मैम की तरफ से भी एक टीम जाती है स्टार्टिंग में, जो कि आपके लोगों को ट्रेन करेगी कि कैसे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। फिर वो वापस आ जाएगी, आपके जो भी आगे के जितने भी कस्टमर्स होंगे वो आपकी टीम ही सारा हैंडल कर लेगी। तो दोस्तों, मेन बात आती है मार्केटिंग की। जब आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो तो मार्केटिंग कैसे करें, ये जो माल आपने जो भी स्टॉक करके रखे वो सेल कैसे करना है, तो मेन चीज़ तो ये कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं उनके पास अप्रोच कर सकते हो, उन्हें आप सैंपल दिखाइए, या फिर आप डायरेक्टली जो फ्लैट ओनर्स है, बिल्डर्स है, उन्हें आप ये सैंपल्स दिखाइए। अगर उनको आपके सैंपल्स पसंद आते हैं तो वो आपको ऑर्डर देंगे, या फिर जो डायरेक्टली फ्लैट ओनर्स है जिन्हें इंटीरियर का काम करवाना है, तो उन्हें जब आप ये दिखाएंगे सारी चीज़ें तो उन्हें ये कॉस्ट इफेक्टिव भी लगेगी। जैसे आपने पहले वीडियो में देखा डेमो में कि कितनी कॉस्ट इफेक्टिव ये चीज़ें हैं, कितने उसके फीचर्स क्या क्या है, तो जब आप उन्हें समझाओगे उनसे भी आपको इंस्टॉलेशन का ऑर्डर मिल सकता है, और इंस्टॉल करवा के आपका जो भी प्रॉफिट है वो आप बुक कर सकते हो।